प्राइवेट कंपनियों के मोबाइल रिचार्ज महंगे होने की वजह से लोगों ने बीएसएनएल को फिर से चुना है। छिंदवाड़ा के बीएसएनएल ऑफिस के पास लोगों की भीड़ से जब पूछा गया तो लोगों ने प्राइवेट कंपनियों के मोबाइल रिचार्ज होने महंगे हो जाने के कारण अपने सिम व रिचार्ज पुनः बीएसएनएल में करने हेतु पहुंचे हैं। हाँ, ये बताइए भाई साहब, आप बीएसएनएल ऑफिस क्यों आए हैं? सर, मैं बीएसएनएल ऑफिस इसलिए आया हूँ कि जियो ने अपने रिचार्ज महंगे कर दिए, जिससे कि हम आम जन को बहुत नुकसानी हो रही है, बहुत महंगा रिचार्ज हो गया है। तो हम बीएसएनएल की सिम इसलिए लेना चाहते हैं कि इसके सस्ते रिचार्ज है, सस्ते प्लान है, और हम सबको जो अब हानि हो रही है, जो हम ज़्यादा पे कर रहे हैं इन कंपनियों को, जब हम अपनी बीएसएनएल की कंपनी, जो देश की कंपनी है, हम उसको आगे प्रमोट करें और हम बीएसएनएल को आगे से आगे ले जाए, यही हमारा प्रयास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारंग काले। ये बताइए भाई साहब, आप बीएसएनएल ऑफिस क्यों आए हैं? सिम को पोर्ट कराने। क्या वजह है? वजह ये है कि मेरी एक जियो की सिम है, एक एयरटेल की, दोनों के रिचार्ज महंगे हो गए हैं। अच्छा। और काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। अच्छा। इसका बोझ अब ज्यादा आ रहा है महंगाई के हिसाब से, देश में महंगाई भी बहुत है, ऊपर से रिचार्ज महंगे, तो कब तक इस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे? और बीएसएनएल ये है कि देश की कंपनी है और देश को आगे बढ़ाने के लिए इसी में अब आने की, वापस देश की वापसी के लिए सोचा गया है कि दोबारा बीएसएनएल में वापस आएंगे। बताइए भाई साहब, आप बीएसएनएल ऑफिस कैसे आए हैं? सर, बीएसएनएल आने का हमारा कई कारण है, क्योंकि पहला बीएसएनएल में आने का पहला कारण है कि हमारा अपना कंपनी है और सरकारी कंपनी है, और दूसरा कारण ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो हम लोगों का मतलब आँख बंद करके लूट रहा है। इस लूटमारी से हम लोगों को बचना है, क्योंकि हर एक साल इसका रिचार्ज प्लान बढ़ते जा रहा है। तो मान लीजिए जो कमा रहा है थोड़ा बहुत वो तो भर लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी अपने गांव में बैठा हुआ है, जैसा भी हम बिहार से यहां पे आए हैं कमाने के लिए, तो जो गरीब आदमी बिहार से अपने गांव में बैठा है, वो तो उसका कमाने का कोई सोर्स नहीं है, वो कैसे इसका रिचार्ज कर पाएगा? और बहुत लोग बोल रहे हैं कि बीएसएनएल में नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, नहीं है, वो हमको चलेगा, नेट नहीं चलेगा, वो हमको चलेगा, सिर्फ कॉलिंग पे बात करा दे हमको चलेगा, क्योंकि ये हमारा अपना कंपनी है। और घर का खाना अगर थोड़ा ख़राब हो तो हम बाजू वाले से मांगने नहीं जाते हैं। सही बात है कि गलत बात है? थैंक यू सर। तो ये हमारा थोड़ा अगर गलत भी होगा ना तो हम इसको चलाएंगे, क्योंकि ये हमारा कंपनी है, इसलिए सरकारी कंपनी है, हमारा कंपनी है, तो थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो हम वो चलाएंगे। और इसका रिचार्ज प्लान तो जो अभी देख रहे हैं प्राइवेट लोगों का, वो कैसे बढ़ाते जा रहे हैं, हर एक चीज़ पे जियो ने बढ़ाया, फिर एयरटेल, फिर VI सब बढ़ा दिए, तो इसके वजह से कई कारण है जो हम लोग इसको एथी कर रहे हैं। और हम ही नहीं, इसमें लाखों लोग हैं, हर जगह से आदमी पोर्ट करा रहा है, और पोर्ट हमारे माध्यम से अगर जो भी सुन रहा है, तो मतलब हमारे घर में अभी 8 सिम चलता है, जियो, एयरटेल और VI का, लेकिन अभी शुरू मैंने किया है और मेरे होते ये 8 सिम फटाफट जितना जल्दी हो सके ये सब BSNL में जाएगा। और जो भी आपके वीडियो मतलब मेरे माध्यम से देख रहे हैं, आपके माध्यम से, मैं चाहूँगा ये 209 जोड़ के निवेदन करूँगा कि जितना आदमी जितना जल्दी हो सके BSNL में जल्दी शिफ्ट होंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 4G नहीं चल रहा है, 5G नहीं चल रहा है, कहाँ से चलेगा? सर, आपके पास कोई दुकान है उस पर ग्राहक ही नहीं जाएगा तो आप उसमें अच्छा अच्छा महंगी महंगी सामान ला कर रखेंगे आप? तो हम लोग आना शुरू कर दिए हैं, बस BSNL से ये निवेदन है कि जितना बेहतर हो सकता है हमारे लिए करें, क्योंकि हमारा कंपनी है, हम उसके आदमी हैं, और वो हमारा अति है तो हमारे दुख दर्द का समझेगा। ओके, संदीप तिवारी की रिपोर्ट।